नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आप सभी बहनों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। एक ऐसी योजना के बारे में आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी आय दुगनी होने वाली है। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार का जो प्रावधान है कि स्व सहायता समूह की महिलाओं की प्रति महीने की आय 10,000 रुपये हो जाए, उसी के संबंध में आज आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी दीपेश गौर परिवार के सदस्य में शामिल हो सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन में स्व सहायता समूह की बहनों को अब टोल टैक्स का काम भी दिया जा रहा है। लाडली बहनें यदि 1,00,000 शुल्क वसूलेंगी तो उसमें से 30,000 रुपये स्व सहायता समूह को दिए जाएंगे। यदि 1,00,00,000 शुल्क वसूलती हैं तो उन्हें 30,00,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसमें भर्ती किस प्रकार से होगी, ये ऐलान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़नगर जिला उज्जैन में लाडली बहना योजना कार्यक्रम के दौरान दिया था। यहाँ पर मध्य प्रदेश में आर्थिक बुलंदियाँ छू रही हैं महिला स्व सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता संग्रहण की नीति दी जाएगी। अब आपको किस टोल टैक्स पर वसूलना है शुल्क, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के स्वामित्व में ऐसे मार्ग जिनकी वार्षिक शुल्क सालाना 2,00,00,000 से कम है, मतलब ऐसे टोल टैक्स जिनकी वार्षिक आय मतलब जहां से वार्षिक शुल्क 2,00,00,000 से कम मिलता हो वहां पर आपको टोल टैक्स शुल्क वसूलना है। और दूसरा यहां पर अब भर्ती किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से उनको चयन किया जाएगा, तो क्लस्टर लेवल पर उनका फेडरेशन CLF द्वारा पारदर्शिता के साथ उपभोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य, अनुबंध की शर्तों का पालन तथा महिलाओं की सुरक्षा के प्रबंध भी वहां पर किए जाएंगे। उपभोक्ता शुल्क संग्रहण हेतु महिला स्व सहायता समूह का चयन क्लस्टर लेवल पर CLF द्वारा किया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित अगर कोई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले दी जाएगी। क्लस्टर लेवल को 1 साल के लिए शुल्क ग्रहण का कार्य दिया जाएगा। जो भी महिला स्व सहायता समूह का चयन होगा उन्हें केवल 1 साल के लिए ही शुल्क संग्रहण करने का कार्य और दिया जाएगा। तो अभी तक कौन कौन से टोल टैक्स पर वसूल सकते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टोल प्लाजमा पर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा शुल्क वसूलने का कार्य। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण महिला स्व सहायता समूह द्वारा कराए जाने हैं। MOQ संपादित है उज्जैन, काथिया, आगरा के चाचाखेड़ी और छतरपुर के संजय नगर टोल प्लाज्मा की जिम्मेदारी संभालेंगी महिला स्व सहायता समूह। तो सभी बहनों को जैसे ही अगर कोई इसमें अपडेट आता है तो सबसे पहले आपके तक जानकारी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक दीपेश गौर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी दीपेश गौर परिवार के सदस्य में शामिल हो सके। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।